नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार दिव्या होम्यो केयर चैनल में आप समस्त दोस्तों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही उपयोगी साबित होगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद ये अक्सर हमारे दोस्तों, नौजवानों और अधिक उम्र के लोगों में भी और शिशु में भी देखा गया है कि हाइड्रोशील की जो समस्या होती है, यह एक आम समस्या बन गई है, जिनसे लगभग अधिकतर लोग जो हैं इससे कभी ना कभी प्रभावित होते हैं, या आप लोग में से कोई ना कोई प्रभावित होंगे। तो दोस्तों, आज हम संक्षिप्त में आप लोगों को बताएंगे कि हाइड्रोशील क्या है, और फिर हाइड्रोशील के कारण बताएंगे, और अंत में आप लोग को एक महत्वपूर्ण ड्रॉप के बारे में बताएंगे जो हाइड्रोशील के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हाइड्रोशील क्या है। दोस्तों, हाइड्रोशील, जैसा कि आप जानते हैं कि अंडकोश, यानी अंडकोश के अंदर जो दो टेस्टिस यानी वृष्ण होते हैं, और उस वृष्ण जो होते हैं उसके चारों ओर एक मांसल थैली होते हैं, जो एस्किन होते हैं, तो उसके चारों ओर एक दीवाल होती है, भित्तियां होती है, और उस भित्तिया से विशेष प्रकार के द्रव का सराव होते रहता है, जिसके कारण टेस्टिस सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं। लेकिन उस द्रव का सराव जब अधिक मात्रा में होने लगता है, जिसके कारण हाइड्रोसिल जो है वह टेस्टिस की आकृति जो है वह बढ़ने लगता है, अर्थात उसमें सूजन अर्थात जल एकत्रित होने लगता है, उसी को हम लोग हाइड्रोशील कहते हैं या जल वृष्ण बोलते हैं। तो ये जल वृष्ण जो होते हैं, अर्थात उसमें सूजन, या उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोशील का बढ़ जाना। दोस्तों, यह होता किस लिए है? तो हाइड्रोशील अक्सर जो है वह दो तीन कारण उसका मेजर कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण होता है किसी कारण से जब आपके हाइड्रोसिल में चोट लग जाता है, तो चोट लगने की वजह से भी हाइड्रोसिल होने के चांसेस होता है, और साथ ही साथ कभी कभी ये देखा जाता है कि जो गर्भ में पल रहे शिशु होते हैं और उनके जन्म के बाद, खास करके जो सीजरियन अर्थात जिन माँ या बहनों को पेट खोल करके बाय ऑपरेशन द्वारा अगर बच्चे होते हैं, तो उनमें भी हाइड्रोसिल की समस्या देखा गया है। इसके साथ तीसरी कारण होती है, वो होता है कि अक्सर लोग जो लोग ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, अर्थात जो अंडरवियर का प्रयोग नहीं करके वो ढीले ढाले वाले जो सिया हुआ अंडर पैंट जिसको बोलते हैं वो पहनते हैं, तो उनमें भी अक्सर ये देखा गया है। इसके बाद होता है कि जब कोई व्यक्ति अक्सर एकाएक अगर वह भारी वजन उठाता है, तो इसके कारण भी हाइड्रोसिल होते देखा गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर इन्फेक्शनल किसी प्रकार के संक्रमित के कारण भी हाइड्रोसिल होते देखा गया है। तो हाइड्रोसिल जो होता है, इसमें अक्सर कभी कभी ये देखा गया है कि किसी किसी को लेफ्ट या राइट, यानी कभी कभी किसी को लेफ्ट बढ़ जाता है तो कभी कभी किसी को राइट बढ़ जाता है, लेकिन कभी कभी ये भी देखा जाता है कि एक साथ दोनों जो हाइड्रोसिल बढ़ जाते हैं, अर्थात उसमें दोनों में
पानी हो जाते हैं, उसमें तीव्र दर्द होता है, टिस मारने जैसा उसमें दर्द होते हैं, और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि उसमें दर्द नहीं भी होता है। तो इस सारे के सारे अगर लक्षण आप लोग को दिखे तो इसके लिए होम्योपैथिक में एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जिसका नाम है हाइड्रोनील 56 यानी हाइड्रोनील 56 जो कि REPL कंपनी की यह दवा है जो REPL कंपनी बनाती है और यह एक बहुत ही इफेक्टेड मेडिसिन है हाइड्रोसील के लिए, जिसमें दोनों प्रकार के चाहे वह लेफ्ट हो या राइट हो यानी दोनों प्रकार के हाइड्रोसील में यह सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है क्योंकि इसको हम लोगों ने खुद अपने क्लिनिक में पेशेंट को देता हूं और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम लोग ने देखा है। तो इसमें दोस्तों कई मेडिसिन मिला हुआ है जिसमें अगर चोट लगने की वजह से अगर किसी भाई बंधु को अगर हार्निया हो तो उसमें अर्निका, तो इसमें पहली जो मेडिसिन है वह अर्निका मिली हुई है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों इसमें रोडोडेंड्रॉन, जो रोडोडेंड्रॉन ये देखा जाता है कि जिन लोगों को अगर दाहिने साइड में के हाइड्रोसील बढ़ जाते हैं उसमें सूजन होते हैं और साथ ही उसमें तीव्र दर्द होती है तो उसमें रोडो इफेक्टेड है, तो इसमें रोडो मिला हुआ है। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों वह है रस्टक्स, तो रस्टक्स भी जो एटेंडम वर्षा में भीगने के कारण अगर हाइड्रोसील आपका बढ़ गया है और उसमें तीव्र दर्द होता है या आंधी तूफान जिस समय होता है उसमें अगर आपकी परेशानी बढ़ जाता है तो उसमें आपको रस्टक्स उपयोगी होते हैं, तो इसमें रस्टक्स भी मिला हुआ है। अगली मेडिसिन है दोस्तों पल्सा टीला। अगर जिन दोस्तों को जिन भाइयों को बाई ओर का हाइड्रोसील अगर भरा हुआ होता है तो उसमें हम लोग अक्सर पल्सा टीला का प्रयोग करते हैं, तो इसमें वो भी पल्सा टीला मिला हुआ है। उसके बाद है दोस्तों एस्पोंजिया, जिनको दाहिनी ओर के अंडकोश में वृद्धि है और उसमें बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं होता है तो उसमें आपको एस्पोंजिया भी इसमें मिला हुआ है। और साथ ही इसमें अगली मेडिसिन है दोस्तों मिला हुआ और वो है ओरम मेटालिकम। तो इस सारे के सारे मेडिसिन को कंबाइंड करके कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है और इसका नाम है, याद रखेगा, हाइड्रोनील, जो हाइड्रोसील को बिल्कुल वह नॉर्मल में ला देती है। तो इस दवा को प्रयोग करके आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा और हाइड्रोसील से निजात पा सकते हैं। तो याद रखिएगा हाइड्रोनील 56 REPL कंपनी की यह दवा है। इस दवा को लेना कैसे है तो दोस्तों इस दवा को आपको आधे कप पानी में 15 से 20 बूंद दवा को डालनी है और जब भी लेंगे दोस्तों तो इसकी जो डब्बा है उसकी बोतल को हिला लेंगे और उसके बाद 20 बूंद दवा आधे कप पानी में डालना है और उसको दिन भर में 3 बार लेना है। दोस्तों इसके साथ आप लोग को कुछ परहेज भी रखना है, जिसमें जिन भाइयों को हाइड्रोसील है वो ठंडी चीज या फ्रिज की जो भी चीजें हैं उनको लेने से बचे, जैसे दही, केला, फ्रिज की सामान जो होते हैं, इन सारे चीजों को लेने से बचना चाहिए। साथ ही साथ उनको जो अंडरवियर जो प्रयोग करते हैं वह उसको हाइड्रोसील को लटकने नहीं देना चाहिए, उस पर ज़्यादा भार नहीं पड़ने देना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही
मैं इससे पिछले वीडियो भी मैंने आपको हाइड्रोसील पर एक वीडियो मैंने बनाया है, जिसको आपको लिंक दे दिया जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही, आज तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।